मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल स्टार्टिंग नाउ साइंस क्लास। स्टूडेंट वेरी वेरी केयरफुली लुक एट द बुक चैप्टर 6 फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड पेज 47। स्टूडेंट वेरी वेरी केयरफुली लिसन टू मी एंड लुक एट द पेज। Food and shelter for animals. Children will learn about food that animals eat. Next, they will also learn about animals' home. Animals को क्या जरूरत है, ना food जरूरत है, जीने के लिए food जरूरत है और उसको रहने के लिए home. Trace the dotted lines to find out where Snowy The dog is resting. Color the picture too. देखो बेटा, there is a dog. A dog dot dot है, a dot dot से आप लोग एक dog तैयार करोगी और जो snowy place है उस पर कलर करो। कलर करने के बाद तुम लोग रख दोगे, हम लोग जिस दिन आपको नोटिस करेंगी स्कूल में बुक जमा देने के लिए, उस दिन हम चेक कर देंगे। आप लोग जमा दे दोगे, हम लोग चेक कर देंगे। Where Snowy the dog is resting, color the picture too. तो क्या करेगी ना, trace the dotted lines to find out where Snowy का है, इधर में एक कलर करेगी, इधर में एक डॉग है, डॉगी का पिक्चर डॉट डॉट में ज्वाइंट करके तैयार करोगी। इज रेस्टिंग क्या कर रही है ना डॉगी, डॉगी रेस्टिंग कर रही है उसके घर में। What is the name of dog's home? Kenneth. Students very very carefully look at the picture and color the picture at home. Animals need food to live. Animal को जीने के लिए food का जरूरत है। They also need shelter. इसका साथ साथ food का साथ साथ shelter भी जरूरत है। To protect themselves. Shelter क्या कर रही है ना, animal को protect कर रही है। Let us learn about animal homes and the food that they eat. Food for animals. Different animals eat different kinds of food. Different animal different kinds of food खा सकते। Some animals eat grass. Some animal ग्रास खाते एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का लीफ स्टेम ये अलग सब खाते हैं। काउ हॉर्स एलिफेंट एंड जीराफ आर सच एनिमल। इस तरह एनिमल का कौन है जो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स का पार्ट्स खाते हैं, वो एग्जांपल है काउ हॉर्स एलिफेंट एंड जीराफ आर सच एनिमल्स। What is the picture? Cow. Cow क्या खाते हैं? Grass. Horse वो भी grass and parts of plants खाते हैं। Some animals eat grains. Some animals eat grains such as rice and wheat. Some animals grain खाते हैं, क्या क्या ना, rice and wheat. Birds, squirrel and mouse are such animals. Birds, squirrel and mouse grains खा रहे थे। What is the picture? Squirrel. ये वाला picture squirrel, S-Q-U-I-R-R-E-L, squirrel. What is the picture? Bird, B-I-R-D, bird. Next, some animals eat insects. Some animals insects खा रहे थे। Spider, frog and lizard are such animals. Spider, frog, lizard इंसेक्ट खा रहे थे। व्हाट इज द पिक्चर? फ्रॉग। व्हाट इज द पिक्चर? लिजर्ड। स्टूडेंट्स वेरी वेरी केयरफुली लुक एट द पेज एंड लिसन टू मी। धरती में बहुत सारा एनिमल है और एनिमल को खाना अलग अलग है। जो एनिमल लीव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स खाते हैं, क्या क्या ना, काउ हॉर्स एलिफेंट ग्रेन खाते हैं, स्क्विरल एंड बर्ड्स इंसेक्ट खाते हैं, फ्रॉग लिजर्ड एंड स्पाइडर। सम एनिमल्स ईट
द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, सम एनिमल क्या कर रही है ना, अदर्स एनिमल को फ्लेश खा रहे थे। टाइगर वुल्फ एंड लायन आर सच एनिमल, टाइगर वुल्फ एंड लायन एनिमल क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं अदर्स एनिमल का। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट, सम एनिमल्स क्या खाते हैं, बोथ प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं। एग्जाम्पल बियर एंड क्रो आर सच एनिमल्स, बियर एंड क्रो एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं। What is the picture? Tiger. What is the picture? Wolf. What is the picture? Bear. Tiger and wolf eat the flesh of other animals. Tiger and wolf eat the flesh of other animals. Bear eat both plants and other animals. Bear eat both plants and other animals. Home of animals. Animals का घर. Animals need homes or shelter to live in. Animal को जीने के लिए फूड का साथ साथ shelter भी जरूरत है। Shelter के animals home क्या कर रही है, shelter में live कर रही है। They also needed home to keep themselves safe. इसके लिए किस लिए जरूरत है home, अब food safe के लिए, from heat, cold, rain and other animals. हीट कोल्ड एंड रेन एंड अदर्स एनिमल्स से सेफ रहने के लिए एनिमल को शेल्टर और होम का जरूरत है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होम, लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होम, इस बात में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स का होम को पढ़ाएंगे। देखो homes that animals make, some animals make their own homes, some animals अपना अपना घर खुद बना सकते। A bird builds its nest, birds उसको nest तैयार कर सकते। With leaves, twigs and straw, with leaves, twigs and straw, स्ट्रॉ से उस लोग क्या कर रही है, बर्ड्स घर तैयार कर रही है। ए रैबिट डिग्स ए बुरो टू लिव इन इट, रैबिट क्या कर रही है, रैबिट जमीन पर डिग करके उसको डिग करके बुरो तैयार कर रही है। ए रैबिट डिग्स ए बुरो टू लिव इन इट। ए स्पाइडर makes a web and lives in it. A spider makes a web and lives in it. Spider web तैयार कर रही है उसके ऊपर रहने के लिए। Honey bees make a beehive to live in it. Honey bee क्या तैयार कर रही है, beehive तैयार कर रही है उसपे रहने के लिए। Repetition again. Animals need homes or shelter to live in. They also need homes to keep themselves safe from heat, cold, rain and other animals. Animals को जीने के लिए खाना का साथ साथ shelter जरूरत है और home का जरूरत है। ये home किस लिए जरूरत है ना, heat, cold, rain, others animals से safe रहने के लिए। थोड़ा थोड़ा एनिमल क्या कर रहे हैं, अपना शेल्टर खुद तैयार कर सकते। बर्ड्स क्या कर रही है, लीव्स ट्विग्स एंड स्ट्रॉ से उसका नेस्ट तैयार कर रही है। रैबिट जमीन के डिग करके उसको बुरो तैयार कर रही है। स्पाइडर वेब तैयार कर रही है उसके रहने के लिए। हनी बी तैयार कर रही है बीहाइव उसके रहने के लिए। What is the picture? Bird. देखो नेस्ट तैयार कर दिया। Rabbit. What is the picture? Rabbit. What is the picture? Spider. What is the picture? Honeybee. Student, very very carefully look at the page. It learned
at home. Next page. Natural homes of animals. Natural homes of animals. Some animals live in natural homes. Some animals natural homes में रहते हैं. A lion lives in a den. Lions कहाँ पे रहते हैं? Den पे. D-E-N. Lion lives in a den. What is the name of lion's home? Den. D-E-N. Den. A bear lives in a देखो. Den. देखा? A cave. Den पे रहती है कौन? Lion. और a bear lives in a cave. A monkey lives on tree. Repetition again. Natural home of animals. Some animals live in natural home. A lion lives in a den. What is the name of lion's home? Den. A bear lives in a cave. Bear cave में रहते हैं. A monkey lives on trees. Monkey tree पे रहते हैं. What is the name of bear's home? Cave. Man made homes for animals. थोड़ा थोड़ा animals है, थोड़ा थोड़ा animals के लिए man तैयार कर रही है उसका घर. We make homes for pet and farm animals. Pet and farm animal के लिए तैयार कर रही है क्या ना घर. A horse is kept in a stable. A horse is kept in a stable. हॉर्स कहाँ पे रहते हैं? स्टेबल पे. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉर्स होम? स्टेबल. ए काउ इज केप्ट इन ए शेड. काउ के लिए शेड तैयार कर रही है. व्हाट इज द नेम ऑफ काउज होम? शेड. ए डॉग इज केप्ट इन ए केनल. डॉग कहाँ पे रहते हैं? केनल में. व्हाट इज द नेम ऑफ डॉग्स होम? केनल. ए हेन इज केप्ट इन ए कूप. हेन कूप में रहते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ हेन्स होम? कुक. व्हाट इज द पिक्चर? हॉर्स. एच ओ आर ए सी हॉर्स. व्हाट इज द पिक्चर? काउ. सी ओ डब्ल्यू काउ. व्हाट इज द पिक्चर? हेन. एच ई एन हेन. स्टूडेंट वेरी वेरी केयरफुली लुक एट द पेज. व्हाट इज शेल्टर? ए प्लेस दैट प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम हीट कोल्ड रेन and other animals. A place that protect animals from heat, cold, rain and other animals. Shelter किसको बोल रही है? A place जो place है animal को protect कर रही है इसे ना heat, cold, rain and other animals. Natural. Natural meaning something that is found in nature. Something that is found in nature. Next, fill in the blanks with correct words. Number A, animals need fill in the blanks bracket में food and wood. Correct word food. Fill in the blanks with food to live. Animals need food to live. Animal को जीने के लिए food का जरूरत है. Number two, a hen eats fill in the blanks bracket में flesh and grains. Fill in the blanks with grains. Grains correct answer है. A hen eats grains. Number 3. A lion eats grass or flesh. A lion eats flesh. Lion क्या खा रही है? Flesh. F-L-E-S-H. Flesh. Number 4. Birds make nests high to live in. बर्ड्स क्या कर रही है? नेस्ट. एन ई एस टी एस. नेस्ट तैयार कर रही है. मेक नेस्ट टू लिव इन. नंबर 5. काउ और हॉर्स फिल इन द ब्लैंक्स इज केप्ट इन ए स्टेबल. हॉर्स इज केप्ट इन ए स्टेबल. रिपीटेशन अगेन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. एनिमल नीड फूड टू लिव. फिल इन द ब्लैंक्स विथ फूड. नंबर 2. ए हेन ईट. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेन्स. Number 3. A lion eats. Fill in the blanks with flesh. Number 4. Birds make. Fill in the blanks with nest to live in. Number 5. Cow or horse. Horse is kept in a stable. Match the following. Squirrel.
इधर में लेफ्ट साइड में स्क्विरेल, बियर, बीस, मंकी, डॉग। राइट साइड में बीहाइव, ट्री, ग्रेन्स, केनल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्क्विरेल मैच विद द ग्रेन्स, बियर मैच विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बीस मैच विद द बीहाइव, मंकी मैच विद द ट्री, डॉग मैच विद द केनल। Repetition again, squirrel match with the grains, bear match with the plants and animals, monkeys match with the trees, bees match with the beehive, dog match with the canary. Squirrel, grains, bear, plants and animals, bees, beehive, monkey, tree, dog, canary. Next, answer the following question. Name two animals that eat grass. Grass खा रहे या इस तरह दो एनिमल को नाम देखो। नंबर वन बर्ड्स, नंबर ए बर्ड्स, बी स्क्विरल, बी आई आर डी एस, एस क्यू यू आई आर आर ई एल, स्क्विरल। नंबर टू, नेम टू एनिमल्स दैट ईट इंसेक्ट्स। दो ठो एनिमल्स का नाम लिखो जो इंसेक्ट खा रहे या। फ्रॉग एंड लिजर्ड, एफ आर ओ जी फ्रॉग, B-L-I-Z-A-R-D, lizard. Name two animals that eat grass, birds, A, birds, B, squirrel. Name two animals that eat insects, A, frog, B, lizard. Why do animals need home? Animals को home किसलिए जरूरत है? Animals need home and shelter to live in, इसको जीने के लिए। Name two animals that make their own homes. Name two animals that make their own homes. दो ठो एनिमल को नाम लिख, नेम लिखो जो एनिमल खुद अपना घर बना सकते। बर्ड एंड रैबिट, नंबर ए बर्ड, नंबर बी रैबिट। नेम एन एनिमल, नेम एन एनिमल दैट, नंबर वन ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, टाइगर, टाइगर अदर एनिमल्स का फ्लेश खा रहे थे। नंबर टू ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ईट्स बोथ प्लांट्स, बोथ प्लांट्स खाते हैं एंड फ्लेश भी खाते हैं अदर्स एनिमल का, बियर, बी ई ए आर, बियर। नंबर थ्री डिग्स ए बुरो टू लिव इन, रैबिट। नंबर फोर लिव्स ऑन ट्रीज, मंकी। Escaped in a coop, hen. Repetition again. Name an animals that eats the flesh of other animals, tiger. Eats both plants and flesh of other animals, bear. Digs a burrow to live in, rabbit. Lives on tree, monkey. Escaped in a coop, hen. Student, very very carefully look at the chapter. Eat, read and learn at home.